और हम आ चुके हैं झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में, जहां बेबस, लाचार और बूढ़े गायों को खाना, पानी, दाना की व्यवस्था की जाती है। आइए ग्रिसले विद्यालय के बच्चों के साथ आज इस स्थान को और उन लाचार गायों को देखते हैं, जिनका आश्रय कोई और नहीं बल्कि ये गौशाला समिति है। गौशाला समिति कोडरमा, झारखंड। और हमारे साथ ग्रिसले विद्यालय के बच्चे, क्लास 5 के बच्चे, जो पंक्तिबद्ध होकर के इस गौशाला समिति को देखने के लिए, यहाँ की गायों को देखने के लिए, उनको रोटी खिलाने के लिए आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ग्रिसले विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ गायों को देखने के लिए, और गायें भी उतनी ही प्यार भरी निगाहों से बच्चों को देखते हुए, क्योंकि अब ये बच्चे उनको रोटियां खिलाएंगे। और ये ग्रिसले विद्यालय की तरफ से 1000 रोटी की व्यवस्था की गई है, जो इन गायों को खिलाया जाएगा। अभी ये कार्टून में रोटियां पड़ी हुई हैं, और यहाँ के कर्मचारी जो इन गायों की सेवा करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? दामोदर यादव। दामोदर यादव, ये रोटियां बच्चे खिलाएंगे ना? हम बच्चे की खिलावट दीजिए। प्यारे प्यारे गाय, और ये गाय के बछड़े, और एक रोटी मैं भी अपने हाथ से। छोटा वाला को दे ले। और इस प्रकार की लंबी नादे बनी हुई है, जहां इन गायों को भोजन पानी दिया जाता है। ये लंबी ये एक छोटा सा शेड है, और ऐसे बहुत सारे शेड यहाँ बने हुए हैं, जहाँ अनेकों गायियां ऐसे ये इनके नाद में रोटी डालते हुए। और ये प्यारी गायियां अब हमारे सामने हैं। सुशांत जी, जो यहाँ गायों को देखरेख करते हैं, आइए कुछ सवाल इनसे करते हैं। सुशांत जी, आप कितने सालों से यहाँ हैं? फिलहाल मैं 9 महीने से यहाँ। आप 9 महीने से यहाँ हैं। आप कहाँ से हैं सुशांत जी? देवी मंडप रोड। सुशांत जी, यहाँ टोटल गायों की संख्या कितनी होगी? 277। अच्छा, यहाँ जो टोटल गाय हैं, वो कैसे यहाँ लाए गए, कहाँ से लाए गए वो? अधिकांश गाय जो गौकस्ती के लिए ट्रक में जाती है। किसके लिए? गौकस्ती के लिए लेके जाते हैं। अच्छा, तस्करी के लिए जो लोग बेच जो करते हैं, वही पकड़ाता है, जो थाने वाले लाके यहाँ पे सुपुर्द करते हैं। और कुछ गांव का भी जो जानवर लाचार है या रोड पे है, उसे लाके। लाचार कैसे, कैसा लाचार? लाचार मतलब कि रोड पे है, कोई देखने वाला नहीं है। सुशांत जी, आप बता रहे थे लाचार गायें, किस प्रकार की लाचार गायें होती है यहाँ? लाचार गाय जैसे रोड पे जो घूमते फिरते रहती है, कोई मालिक उसका नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो सब गायें अगर कोई बताती है कि भाई इधर भटक रही, तो हम लोग लेके चले आते हैं। अच्छा,
तो यहाँ उस प्रकार की भी गायें हैं जो लोग छोड़ देते हैं सड़कों पर, जो सड़कों पर छोड़ देते हैं उसे लेके आए जख्मी गायें जो रहते हैं सड़कों पर छोड़। एक्सीडेंट हो गया, जैसे रोड पे कोई एक्सीडेंट कर गया, खबर मिलता है तो हम लोग जाके ले आते हैं। ऐसे कुछ लोग और बता रहे थे कि जो गायें दूध नहीं भी देती हैं लोग उसको भी छोड़ देते हैं। हाँ, उसे भी छोड़ा जाता है। ये सब गायें जो है दूध नहीं देती है हमारे पास, ये सब तो ये तीसरी गाय है जो दूध देती है, बाकी 177 है जो बिना दूध दिए। तो यहाँ 177 ऐसी गायें हैं जो दूध नहीं देती हैं और उनका भोजन पानी की व्यवस्था ये गौशाला समिति करते हैं। तो इतने सारे गाँव का गायों का रख रखाव, इनका भोजन पानी कैसे चलता है? ये संस्था से आता है और चंदा से आता है, बाजार में चंदा वगैरह किया जाता है, बाजार में मैनेजमेंट है वही लोग लाते हैं, दाता दाने लोग ला के देते हैं, कोई चोकर ला के दिए, कोई गुड़ ला के दिए, कोई रोटी खिलाए, कोई हैप्पी बर्थडे मनाने अब यहाँ आते हैं, एनिवर्सरी मनाने यहाँ आते हैं, उसी बहाने रोटी भी गाय को दिया जाता था। हैप्पी बर्थडे यहाँ मनाने आते हैं, बर्थडे बच्चे लोग बर्थडे, अच्छा छोटे बच्चों का बर्थडे यहाँ मनाने आते हैं, तो उसमें क्या करते हैं बच्चे? तो बच्चे लोग आते हैं तो अपना गाय के लिए रोटी लेके आए, गुड़ लेके आए, चना लेके आए, खिलाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अपने बर्थडे पर आप पैसे व्यर्थ के खर्च ना करें, और जब भी ऐसा घर में कोई सेलिब्रेशन हो, कोई छोटा सेलिब्रेशन हो, तो आप गौशाला समिति में पहुंचकर अपने सेलिब्रेशन को और भी बड़ा बना सकते हैं इन लाचार गायों के साथ कुछ खुशियां बांट करके, कुछ इनको दाना पानी दे करके। ईशान जी कुछ और सवाल करेंगे आपसे? निशान जी, समाज में आपकी कोई अपील इन लाचार गायों के लिए? अपील यही है सर, गौशाला में लोग आए, समाज से भी लोग आए और अपने बच्चों के साथ आए, उन्हें भी दिखाए और जो भी उन्हें था शक्ति बन सके यहाँ पे भोजन दे, चोकर दे, गुड़ दे, जो भी उनसे हो सके चारा के रूप में दे, दान के रूप में, ताकि हम लोग अपने गायों पर सेवा ढंग से कर पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत जी, धन्यवाद। तो यहाँ से बढ़ते हुए कुछ और ये गायें हैं, गायों की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसा उन्होंने बताया कि इस पूरे गौशाला समिति में मात्र 43 ही ऐसी गायें हैं जो दूध देती हैं, बाकी सारी गायें ऐसी हैं जो दूध नहीं देती हैं, फिर भी उनका देखभाल उतने ही अच्छे तरीके से होता है जैसे बाकी गायों का किया जाता है। काफी लंबे चौड़े स्थान में ये फैला हुआ गौशाला समिति, महिलाएं देख रेख करने के लिए। इस ओर भी बड़ा सा शेड, यहाँ भी तकरीबन 50 से 60 गायें हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस गाय का एक्सीडेंट में उसका सिर सिंह टूट गया था और काफी जख्मी हालत में इस गाय को यहाँ लाया गया था और काफी उपचार के बाद फिर इसको ठीक कर लिया गया। इसके नाक पे भी कटे हुए का निशान है और एक सिंह टू इसकी एक्सीडेंट में टूट गई थी। तो ऐसे ही कई सारी गायें हैं जो लाचार जख्मी अवस्था में पाई जाती हैं और उनका लाकर यहाँ देखभाल किया जाता है। देने वाली 43 है, बाकी है जो एनडी है, एनडी मतलब नॉन डिफेक्टिव, वो दूध नहीं देती। उसके बावजूद भी यहाँ पे सभी को खाना दिया जाता है, कुट्टी है, चोकर है, गुड़ है और दर्रा बोलते हैं जिसको, मकई का, गेहूँ का दर्रा हो गया, वो सब फूड में दिया जाता है गाय। और आप लोग यहाँ रोटी लेके आए हैं, बहुत अच्छा लगा, रोटी पहले से भी आ रही है, आप लोग रोटी खिलाएं, बहुत अच्छा से खिलाएं और गुड़ भी खिलाते सभी को, और चना भी दिया जाता है, बीच बीच में पानी भी सुबह शाम गायों को समय पे दिया जाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं, उसको खाने खाने के बाद पानी भी दिया जाता है टाइम टू टाइम, समझ गया। और क्या पूछना है आपको? एक्सीडेंट हो गया अगर रोड पे, तो वहाँ से हम लोग गाय को अगर कोई खबर करता है तो अपने एम्बुलेंस से वहाँ एम्बुलेंस लेके जाते हैं और वहाँ से गाय को लेके यहाँ पे आते हैं। यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पर हमारे पास सारी दवाइयाँ पड़ी है और डॉक्टर है जो उनको लाते हैं, सुबह में विजिट करते हैं, शाम को भी विजिट करते हैं।
और कोई भी गाय का जो तबियत खराब होता है तो उसे भी देखते हैं, बुखार लगा हो, किसी को घाव हो गया हो, जख्म हो, तो सब हम लोग बैंडेज के द्वारा या फिर उसका जो भी दवाई लगता है हम लोग यहाँ से गाय को जो वैक्सीन लगता है हमको बता दीजिए, कान के कीड़ों का। हाँ, वो जो येलो येलो जो देख रहे हैं कान, वो टैग है हम लोग का नंबर, जैसे नंबरिंग होता है ना 1 2 3 4, तो उसी तरह से हम लोग गाय का गिनती में उसको हमारा काम देता है, जो कान में पीला पीला देते हैं उसको टैग बोलते हैं, उससे नंबरिंग उसमें रहता है कि कौन सी गाय कौन सा बाघ में है। जैसे हमारे पास अभी 12 बाघ है, 1 to 12, 12 बाघ में कितनी गाय कौन सी बाघ में है, 36 है 26 है, तो उससे हमारी गिनती होती है कि इस बाघ में इस टैग का नंबर का गाय इसमें है, समझ गए। गाय को वैक्सीन भी लगती है कोई? हाँ, वैक्सीन लगती है, जैसे वो सरकारी वैक्सीन आता है, जैसे कोरोना का टाइम में आया था कि ये वाला लगाना जरूरी है तो लगता है, छोटा छोटा बच्चा है उसको वैक्सीन दिया जाता है। और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? नो मैम, नो मैम। गोबर का कहाँ था आप लोग? गोबर का तो देखिए मशीन जो है इससे हमारे यहाँ लकड़ी बनती है, गोबर की लकड़ी, गोबर जो है उससे ही लकड़ी बनाया जाता है, जो कि अभी आपको हम दिखाते हैं उसका सैंपल। ये जो है इस मशीन से गोबर से जो है ना लकड़ी तैयार होता है, मशीन है हमारा अपना, इसमें गोबर डालते हैं और इससे इधर से पुश करके निकलता है, समझ गए, उसका इतना छोटा छोटा कटिंग करके इसको सुखाया जाता है। उसके बाद इसका कहाँ यूज होता है? इसका यूज आप शमशान घाट में भी कर सकते हैं, पूजा में भी कर सकते हैं। अच्छा, गोइठा की जगह ये बनता है? हाँ, गोइठा की जगह ये बनता है। अपना फिर जो दर्रा वाला जो हिस्सा ना मकई गेहूं का दर्रा हम भिजाते हैं खाना खिलाने के लिए, उसको यूज कराते हैं, जो पीछे बन रहा है लकड़ी का करता है अपना आराम से चलता है। इसमें लकड़ी का बुरादा 20% लगता है, 80% गोबर लगता है। अभी तो
और ये दूध पैकिंग मशीन गौशाला समिति में, जहाँ यह मशीन में पैकेट्स लगे हुए हैं, ऊपर से दूध डाला जा रहा है। और ये इस तरीके से दूध पैक हो गई। अभी हमारे सामने ही ये दूध पैक हुआ। होल्ड इट। ओके। ये अभी इंपटी रैपर है जिसके अंदर दूध फिलिंग होगा, और ये कंटेनर है जार जहाँ से ये दूध डाला जाता है, और फिर फाइनली ये पैक हो जाता है। चलो ठीक है, उसको पैक कर Here one of our student is packing milk. और बड़ा कीजिए, आप नीचे जाएगा। आप नीचे, आप नीचे थोड़ा कीजिए।